हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और मोबाइल बैंकिंग कैसे एफडी करें। दोस्तों, अगर योनो ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में योनो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको योनो ऐप को ओपन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है योनो ऐप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले योनो ऐप को मैं अपने फ़ोन में देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको एक्टिव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको एक्टिव पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सिम वन और सिम टू पूछ रहा है। अगर आपके बैंक में जो नंबर रजिस्टर है उस सिम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा सिम वन यूनियन बैंक में रजिस्टर है तो मैंने सिम वन सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग भीम यूपीआई लिखा हुआ, तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं, आप किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। आई हैव डेबिट कार्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑफ हो गया, इसको लाइट जला लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे इंटर डेबिट कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है, आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। डेबिट कार्ड का नंबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड नंबर आप यहाँ पर इंटर करें तो आप अपना एटीएम कार्ड ले लें। एटीएम कार्ड के आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 16 अंकों का यह नंबर होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एटीएम पे। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है बताएंगे। यहाँ पर हम इसको टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा इसको टाइप करने में, क्योंकि नंबर 16 अंकों का होता है, तो 16 अंकों का नंबर फिलअप करने में थोड़ा समय भी लगेगा। तो दोस्तों, नंबर जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है उस पर ही आप देखेंगे तो 16 अंकों का जो नंबर है उसके जस्ट नीचे आपको वैलिडिटी मिलेगा, उस पर वैलिडिटी लिखा होता है, तो यहाँ पर वैलिडिटी डालेंगे। उसके बाद आपको एटीएम पिन यहाँ पर डाल देना है। जब आपने एटीएम नया लिया होगा तो एटीएम पिन बनाया होगा तो आप इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई बिगेस्ट नंबर, तो आपको यहाँ पर 954 दिया हुआ, तो 9 सबसे बड़ा अंक है तो यहाँ पर 9 इंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद सेट लॉगिन पिन बोल रहा है, तो अब आपको यहाँ पर लॉगिन पिन बनाना है। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन 4 अंकों का ये लॉगिन पिन होगा, तो मैं यहाँ पर 4 अंक डाल देता हूँ अपने सुविधा अनुसार, जो मुझे याद भी रहेगा। तो एक बार मैंने इंटर कर दिया, दोबारा से उसी को सेम नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो लॉगिन पर मैंने लॉगिन पिन इंटर कर दिया, अब सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो योनो ऐप है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन पिन बना लिया है। तो अब आपको यहाँ पर सेंड ट्रांजेक्शन पिन सेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन और ट्रांजेक्शन पिन थोड़ा अलग रहेगा, तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन इंटर कर देंगे, सेम नंबर नहीं डालेंगे, दोनों सेम नहीं रहेगा। अब हमने यहाँ पर 2 बार 3 बार जो भी है हमने इंटर कर दिया, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन पिन भी हमने बना लिया। अब सब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपने लॉगिन पिन जो बनाया था आप यहां पर इंटर करेंगे। ट्रांजेक्शन पिन दोस्तों अलग है, पैसा कटवाने के लिए होता है, लॉगिन पिन अलग होता है। तो लॉगिन पिन मैंने डाला। अब यहां पर परमिशन आपसे मांगा जाएगा, तो आपको यहां पर परमिशन दे देना है। ये ट्विटर का नोटिफिकेशन आ रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐप है योनो ऐप, उसमें मतलब कोई कुछ सिक्योरिटी रीजन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त का जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी लिख देंगे।
आप अपने अनुसार क्वेश्चन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ, उसका आंसर भी आपको देना होगा। जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा, और ऐसा आंसर लिखेंगे जो आपको याद हो, कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और तीनों का जवाब आपको लिख देना है, तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ। लिखने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर प्रोसीड का बटन जो है दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने क्वेश्चन भी सेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, नो पर क्लिक कर देना है और गॉट इट पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक बार आप योनो ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो भीम ऐप में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको भीम ऐप में रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।